नमस्कार फ्रेंड्स, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? और ये देखिए दिल्ली का मेला। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ मेले में इतनी भीड़, पैर रखने की जगह नहीं थी और सभी रामलीला देखने आए थे, झूला झूलने, खाने पीने। और बड़ी मुश्किल से आज हमें तो मिल गया भाई, हमें पता चल गया कि इतनी भीड़ है। तो हमने सीट अरेंजमेंट कर लिया, VIP सीट, और वहाँ से देखेंगे, बैठ कर आराम से रामलीला का मजा लेंगे। जहाँ नज़र, जहाँ तक, दूर दूर तक देखिए भीड़ ही भीड़ लोगों की। आगे सुनिएगा कि रामलीला का आयोजन क्यों जरूरी है और हमें अपने बच्चों को जरूर दिखाना चाहिए रामलीला, रावण दहन और बुराई पर अच्छाई की जीत। और हमें एंजॉय भी करना चाहिए, अपने जितने भी फेस्टिवल हैं बच्चों को बताना चाहिए। और ये रात में आसमान में चांद चमकता हुआ, तो आगे देखते हैं कि क्यों जरूरी है बच्चों को दिखाना और इसका आयोजन बहुत जरूरी है। और हाँ, अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। एकता का आनंद लेते लेते सभी राखियाँ अपने अपने कक्ष में चले गए। अब मैडम भी तो है ना, मैडम प्लीज प्लीज बस हो गया ना। जय श्री राम। आप लोगों की आवाज में दम नहीं है, एक बार जय श्री राम, जय श्री राम। दिल्ली प्रदेश की सह प्रभारी दीदी अलका गुर्जर जी हमारे बीच में है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया मंच में आए। रामकृष्णपुरम रामलीला धार्मिक समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री अनिल शर्मा जी से। जय श्री राम, जय श्री राम। हाथ खड़ा करके एक बार जयकारा लगाई, जय श्री राम, जय श्री राम, रामलीला का मंचन करने वाली इस रामकृष्णपुरम रामलीला धार्मिक समिति के अध्यक्ष अनिल जी और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगी कि हमारी पुरातन संस्कृति को जीवित रखने का बहुत बड़ा काम ये कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में बहुत जरूरी है हमारे बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ना। और इतनी सुंदर तरीके से रामलीला का मंचन यहाँ पर हो रहा है, ये अगर हम ध्यान से इस पूरी कथा को देखें तो उस समय से लेकर आज तक जो संदेश इसके अंदर है, जो सामाजिक समरसता, जो पारिवारिक मूल्यों की जानकारी है, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आप सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं उनसे ये आग्रह करना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को इन चीजों के बारे में जरूर बताएं, क्योंकि आज वर्चुअल की दुनिया में बच्चे घूम रहे हैं, लेकिन जहां हमारी जड़ें हैं उसकी जानकारी उन्हें होना बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर आयोजन करने के लिए इस पूरे आयोजन समिति का एक बार पुनः साधुवाद मैं देती हूँ।